गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 10 चैप्टर का सेकंड भाग डिस्कस करने वाले हैं। भाग 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और एक लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपने क्लास की ओर, समझते हैं प्रतिभागियों की गिनती। प्रतिभागी मतलब जो भी पर्यटक गाइड के संग जा रहे हैं उनकी गिनती। पहला है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई खो ना जाए, दौरे के पहले और बाद में पर्यटकों की गिनती करना महत्वपूर्ण है। पूरे दौरे के दौरान समूह के सदस्यों पर नज़र रखने के लिए गिनती के समान तरीकों का उपयोग करें। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पर्यटक गाइड के संग जा रहे हैं तो पर्यटक गाइड की जिम्मेदारी होती है कि वह कहीं पर भी जा रहा है उससे पहले और बाद में अपने पर्यटकों की गिनती करे, साथ ही उस पर नज़र रखे कि कोई उनको जा रहा है, और अपने पास वाले सदस्य से ज़रूर कहे कि अगर आपके संग जो जा रहा है उसका भी ध्यान रखे, और अगर कोई नहीं है तो वो आकर भी पर्यटक गाइड को बताए। और कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिससे इसको और अच्छे से समझा जा सकता है, और लंबे समय तक पर्यटक गाइड किसी को भी बिना छोड़े सबके साथ अच्छी योजना के साथ, जिस योजना से उसने गाइड को संपर्क किया है उस इच्छा को पूर्ण कर सकता है। वो कौन कौन से हैं उसे समझते हैं। पहला है, दौरे से पहले एक बिंदु जहां पर्यटकों ने एक वाहन छोड़ा था। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर भी पर्यटक गाइड जा रहा है वहां से एक बिंदु लिया, मतलब एक्स वाई जेड ले लेते हैं, वहां से वो शुरू होता है और एक यहां से वाहन स्टार्ट करता है, यहीं से वो किसी और दिशा में जाता है। तो यहाँ पर जब वाहन ने छोड़ा तो उस दौरान भी पर्यटक गाइड की जिम्मेदारी होती है कि वे पर्यटक कौन कौन या हैं जो जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारे यात्री, उसको गिनना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, पैदल यात्रा के दौरान कुछ बिंदुओं पर जो बहुत दूर नहीं है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पैदल जा रहे हैं, अपने यात्रा कर रहे हैं पर्यटकों के साथ, तो पर्यटक गाइड की जिम्मेदारी होती है कि वह कुछ कुछ बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर लक्ष्मी मंदिर है, यहाँ पर नारायण मंदिर है, यहाँ पर हम कह सकते हैं माता पार्वती का मंदिर है, मतलब कि अलग अलग दिशाओं पर मंदिर की जगह कोई और स्थान भी हो सकते हैं, उन जगहों पर भी पर्यटक गाइड को गिनना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, दौरे की शुरुआत में शुरुआती संख्या जाने। जब भी पर्यटक गाइड अपने साथ पर्यटकों को लेकर जाए तो स्टार्टिंग में ही उसे ज़रूर से कितने पर्यटक जा रहे हैं या यात्री जा रहे हैं उसे गिनना चाहिए। नेक्स्ट है, नंबर बदलने पर मैनिफेस्ट और टूर सदस्य सूची जैसे रिकॉर्ड अपडेट करें। अगर कोई भी पर्यटक कम होता है या ज़्यादा होता है तो मैनिफेस्ट को कॉल या अपडेट कर उस सूची में उस व्यक्ति का नाम हटाएं या फिर छोड़ें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, जब समूह किसी बिंदु पर आता है तो पर्यटकों की गिनती करें। जब भी आप यहाँ से किसी और दिशा में जाते हैं तो किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हुए दोनों ही जगह पर या जितने भी पर्टिकुलर चॉइस किए हैं पर्यटकों ने घूमने फिरने की जगह, उन स्थलों पर उन पर्यटकों की संख्या को अवश्य से गिनें। नेक्स्ट है बच्चों, एक वाहन के प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाओ और रुकने के बाद लोगों की जांच करें और उन्हें मैनिफेस्ट के समान टिकट दें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर किसी भी स्थल पर जा रहे हैं तो उसके मेन गेट पर जाकर खड़े हो जाए और एक एक करके सबको टिकट दें, या फिर एक एक कर जो भी नंबरिंग कर रखी है उसको देते हुए उसकी जाँच करें और आगे बढ़े अपने पर्यटन स्थल को घूमने के लिए। नेक्स्ट, रोल कॉल करें, सभी के नाम पुकारे और मैनिफेस्ट पर उन्हें सही का निशान लगा दे। बच्चों, एक लिस्ट बनाए जिसके अंदर सभी पर्यटकों जो घूमने जा रहे हैं उनका नाम लिखे और उन्हें उनके नाम से उन्हें बुलाए और जो जो आता जाए उस पर टिक लगाए। इससे कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और पर्यटक गाइड अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन कर
पाएगा। नेक्स्ट है, जब लोग फिर से सवार हो तो बस में भारी सीटों की संख्या गिने। 25 पर्यटकों का मतलब है 25 सीटें भरी जानी चाहिए। अगर बच्चों किसी भी गाड़ी में 25 सीटें और पर्यटक भी 25 है तो दोनों ही तरीके से जाते हुए, आते हुए और गाड़ी में बैठते हुए उन सभी सीटों पर जितने भी पर्यटक बैठे हैं उन्हें अच्छे से काउंट करना चाहिए कि कोई रह ना जाए। और पास वाले व्यक्ति से भी ज़रूर से बोलना चाहिए कि अगर कोई खो जाता है या फिर कम होता है तो वह आपको आकर सूचित करे। नेक्स्ट है, पर्यटकों से पूछा क्या सब यहाँ है। पर्यटक जो भी उस व्यक्ति के बराबर में से गायब हुआ है उनसे पूछे कि आपके आसपास जितने भी लोग बैठे थे वो सब है ना। इस तरीके से पर्यटक गाइड सब पर नज़र भी रख सकता है और सबको एक साथ लेके घुमा भी सकता है। खोए हुए या देर से दौरे के समूह के सदस्यों को खोजें। बच्चों, अगर वह किसी भी यात्रा के दौरान बहुत सारे पर्यटक जा रहे हैं, अगर कोई खो जाता है या फिर वो देर से पहुंचता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे पहला, वह शौचालय जाते हैं, अगर कोई भी लेट हो जाता है तो उसका थोड़ा इंतज़ार करें क्योंकि वह शौचालय में भी हो सकता है। नेक्स्ट है, वह चले जाते हैं, कुछ पर्यटक गाइड बिना इन्फॉर्म किए पर्यटक गाइड को चले जाते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन शौचालय में है। इन सभी चीज़ों का पर्यटक गाइड को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, वह बहुत धीमी गति से चलते हैं और कुछ पर्यटक बहुत धीमी गति से चलते हैं, उनको भी हमेशा से काउंट और ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ ऐसे पर्यटक हैं जो धीरे धीरे आएंगे परंतु वह घूमने के इच्छुक होते हैं। नेक्स्ट है, वह खो जाते हैं या नहीं जानते कि आपको बैठक का स्थान कहाँ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे पर्यटक होते हैं जहाँ वह खो जाते हैं या उन्हें नहीं पता होता कि बस कहाँ पर रुकेगी, कहाँ पर बैठना है, उनको भी बताना चाहिए। और साथ में अगर वह खो जाते हैं तो उन्हें जितना जल्दी हो सके कोऑर्डिनेट करना चाहिए, चाहे कॉल्स के द्वारा या फिर क्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति को सूचना की अगर आपने किसी ने देखा है तो उन्हें कोऑर्डिनेट कर अपने साथ अपने समूह में लेकर आए। नेक्स्ट है, यदि आप केवल एक आकर्षण स्थल या स्थल पर भ्रमण करते हैं तो खोए हुए पर्यटक को ढूंढना आसान होगा। वह क्षेत्र में कहीं होगा, आपको उनकी तलाश में कुछ मिनट बिताने पड़ सकते हैं, लेकिन एक से अधिक साइट वाले टूर के लिए आपको उस टूर ऑपरेटर की प्रतिक्रियाओं का पालन करना होगा। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे आकर्षण वाले पर्यटन स्थल जहाँ पर भारी मात्रा में आप एक ही जगह पर घूम रहे हैं वहाँ पर अगर खो जाते हैं तो आपको उस स्थल में वो व्यक्ति मिल जाएगा, परंतु आप एक से ज़्यादा जगह जाते हैं, जैसे कि एक जगह ये, एक जगह ये, एक ये जगह है, अगर आप इन सारी जगहों पर जा रहे हैं, एक से ज़्यादा जगहों पर जा रहे हैं तो खोने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, साथ ही थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि कोई व्यक्ति पीछे ना रह जाए, कोई खो ना जाए, कोई धीरे ना चल रहे, उन सब कंडीशन के अंदर हमें ऑपरेटर द्वारा बनाए नियम पर चलना है। नेक्स्ट है, समय, खोए हुए समूह के सदस्यों की तलाश में समय लग सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य अगर कोई भी पर्यटक खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए पर्यटक गाइड को समय लग सकता है, साथ ही सभी को देर ना करें और जो जो पर्यटक गाइड के संग जा रहे हैं उन सभी को देर ना करें। अगर एक खो गया है तो उसकी तलाश में अन्य लोगों को या अन्य पर्यटकों को देर ना करें। समूह के अन्य सदस्यों को नुकसान ना पहुँचाए और इस तरीके से कि अगर कोई खो गया तो दूसरे समूह को बताकर उन्हें परेशान ना करें, बल्कि खोए हुए व्यक्ति के बिना यात्रा जारी रखें, जो खो गया है उसके बिना ही यात्रा जारी रखें। सुनिश्चित करें कि टूर के सदस्य इसे समझे, उन्हें समय पर आने की याद दिलाए और अपने पर्यटक गाइड को समझाए कि वह कितनी ज़रूरी है, एक की वजह से पूरे का टूर खराब हो सकता है। इस चीज़ को अपने पर्यटक गाइड को पर्यटकों को समझाना चाहिए और वह उन्हें याद दिलाना चाहिए कि वह सही समय पर जहाँ उन्हें बताया है रुकने का स्थान वहाँ पर पहुंच जाए। नेक्स्ट है, खतरा, यदि आप किसी ऐसे स्थान पर यात्रा करते हैं जो खतरनाक या जोखिम भरा हो सकता है, जैसे कि चट्टानों, जल स्रोतों या मशीनरी आदि, तो जैसे ही आप देखेंगे कि पर्यटक गायब है तो आपको किसी को बताना होगा। ऐसे होने पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऐसे कहीं पर भी जा रहे हैं जहाँ जोखिम भरा है वहाँ पर से पर्यटक कोई गायब होता है तो आपको
जिसने ये सूचना बनाई है या हम कह सकते हैं पर्यटक गाइड को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि वह उसे ढूंढ सके, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई मिस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अन्य लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके, जिससे कि अगर वो सच्ची में ही खोया है या फिर हम कह सकते हैं उस कोई दुविधा में है, नुकसान में है, तो वहाँ पर उसकी हेल्प की जा सके। ऐसे खतरों वाली जगह पर थोड़े से पर्यटकों को खुद से ही सचेत रहना चाहिए, समझदारी से कहीं पर भी घूमने जाना चाहिए, बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए, जिससे उन्हें खतरा ना महसूस हो और ना ही वे खतरे में पड़े। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, यदि कोई टूर सदस्य गुम हो जाए तो क्या करें। अगर कोई भी सदस्य आपका गुम हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए वो है। पहला, यात्रा बंद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, समूह को फिर से गिने जितने भी पर्यटक बचे हैं या फिर जितने गए हैं, अगर कोई खो गया तो उसे फिर से काउंट करना चाहिए। नेक्स्ट है, देखें कितने पर्यटक लापता और उनके नाम लिखे गए हैं। आपने जो सूची स्टार्टिंग में बनाई थी उसमें चेक करें कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उन सबको अलग कर कर एक सूची तैयार कीजिए। नेक्स्ट है, लापता पर्यटकों को उनके संपर्क नंबर या स्थानीय पर कॉल करें, यदि उनके पास स्थानीय सिम कार्ड है। बच्चों, अगर पर्यटक गाइड जाते हुए पर्यटकों को कॉल देता है या फ़ोन देता है तो उस पर कॉल करनी चाहिए, या फिर जहां वह रुका है वहां पर कोऑर्डिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, आसपास के क्षेत्र की एक छोटी खोज करें, गुमशुदा व्यक्ति का नाम पुकारें, फ़ोन कॉल का उपयोग कर खोज में सहायता के लिए अन्य टूर समूह के सदस्यों से संपर्क ना करें। बच्चों, अगर कोई भी पर्यटक खो जाता है तो पर्यटक गाइड का कर्तव्य होता है कि वह आसपास ढूंढे और अन्य अगर उसके पास कोई कॉल है तो उस नंबर से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, और अगर आपके पास बहुत सारे समूह जा रहे हैं आपके साथ तो उन्हें तकलीफ ना दे या उन्हें ना बताए और अकेले ही ढूंढे। ठीक है, और उनका नाम पुकार पुकार कर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अन्य पर्यटकों से पूछे कि क्या वह जानते हैं कि लापता पर्यटक कहाँ है। समूह से पूछे, अपने समूह से पूछे और पर्यटकों से पूछे कि आपने लास्ट टाइम उसे कहाँ देखा था और वह कहाँ पर है। ऐसे सारे क्वेश्चंस अपने साथ जितने भी यात्रा करने जा रहे हैं या फिर पर्यटक जा रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, समूह को संभालें, जितने भी समूह जा रहा है उनको संभालना चाहिए पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, अन्य टूर ग्रुप के सदस्यों को लापता व्यक्ति की तलाश में ना जाने दें, और जितने भी ग्रुप में बचे हैं जो लापता हो चुके हैं उनकी खोज में ना जाने दें। नेक्स्ट है, जोखिमी, आप अधिक टूर सदस्यों को खो सकते हैं और उन्हें जोखिम में खतरे में डाल सकते हैं। खोज और अनुप्राप्ति गतिविधियों को करना और व्यवस्थित करना टूर ऑपरेटर का काम है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा ना करें कि आपका एक व्यक्ति खो गया तो आपके साथ जितने भी पर्यटक गए उनको खोज में लगा दें, ऐसा ना करें। जिसने भी सूचना बनाई है या योजना बनाई है उसको सूचित करें और वही उसे ढूंढेंगे, ऐसा ना हो कि एक को ढूंढने के चक्कर में आपके अन्य पर्यटक या फिर यात्री खो जाए। इस बात का ध्यान पर्यटक गाइड को रखना चाहिए और उसे टूर ऑपरेटर को सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट है, टूर ग्रुप के अन्य सदस्यों से क्षेत्र ना छोड़ने के लिए कहे, आप जहां पर भी जा रहे हैं उसी क्षेत्र के अंदर पर्यटक रहे और अन्य सदस्यों को उस क्षेत्र से जाने के लिए या छोड़ने के लिए ना कहे और उन्हें वहीं ठहरने के लिए कहे। नेक्स्ट है, आप प्रतीक्षा करते समय उन्हें पेय या जलपान दे सकते हैं, हमेशा ही सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि दौरे के अन्य सदस्य ठीक हो। बच्चों, पर्यटक गाइड के कर्तव्य है कि वह अपने साथ जितने भी यात्री जा रहे हैं उन्हें जलपान या खाने पीने की कुछ चीज़ें दें और सुनिश्चित करें कि जितने भी पर्यटक यात्रा करने के लिए जा रहे हैं वह सभी ही ठीक हो। नेक्स्ट है, आप सुनिश्चित करते हैं कि एक बुरी स्थिति और ख़राब ना हो, उदाहरण के लिए अधिक दौरे के सदस्य लापता हो जाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि पर्यटक गाइड को बीच बीच में सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि अगर कोई भी बुरी परिस्थिति हो जाती है और उससे ज़्यादा बदतर ना हो और उसे सही से संभाल कर और अन्य पर्यटक या यात्री को प्रॉब्लम ना हो या फिर टेंशन ना हो या वो ये सोच सोच कर कि पर्यटक यात्री एक गायब हो गया उसको ढूंढना है, ऐसी अवस्था
ऐसा ना क्रिएट करें जिससे कि अन्य पर्यटकों को टेंशन हो या फिर कोई भी खराब स्थिति से और भी खराब स्थिति में आए और साथ ही अधिक लापता ना हो पाए पर्यटक, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान पर्यटक गाइड को रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे सवाल पूछने के लिए कि उन्हें पास एक जगह रख सकते हैं, उन्हें उस बारे में सलाह के लिए संचालन कार्यालय या टूर कंपनी प्रबंध को कॉल करें, उन्हें स्थिति के बारे में बताएं। जैसे बच्चों, पर्यटक गाइड को यह होना चाहिए कि अपने आसपास के जितने भी पर्यटक हैं उनसे पूछना चाहिए और उन्हें कॉल कर पता करना चाहिए कि वे कहाँ हैं। अगर तब भी ना मिले तो उनके नामों से उन्हें आसपास के ही एरिया में ढूंढना चाहिए और इस तरीके से वह अपने जिसने भी ये स्थिति बनाई है, हम कह सकते हैं टूर ऑपरेटर को सूचित करना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लापता हो गए वो कौन कौन सी है, जैसे पहला, कितने लोग लापता हुए हैं उसको तैयार करना पर्यटक गाइड का कर्तव्य होता है कि वह जितने भी पर्यटक यात्रा में जा रहे हैं या यात्री हैं अगर उसमें से कोई भी खोए उनका नाम अलग करना है, कौन गायब है नाम पता करना है, कितने लोग खोए हैं या संख्या बतानी है या उनके नाम बताने हैं, जहां वह लापता हो गए हैं उस स्थल का नाम बताना है कि वह कहां पर थे और कहां से खोए हैं। जैसे कि आप 3-4 जगह पर जाते हैं तो उनमें से जहां पर भी लापता हुआ है व्यक्ति उस जगह का नाम बताना है, वह किस समय लापता हुए थे, आपने लास्ट टाइम और किस जगह पर आपने देखा था उस जगह का नाम बताना है या समय बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, लापता पर्यटकों को खोजने के लिए पहले ही क्या किया जा चुका है और आपको यह भी बताना है टूर ऑपरेटर को कि आपने उस व्यक्ति को जो खो चुका है उसके लिए क्या क्या क्रियाएँ या एक्टिविटी या उसको किस किस तरीके से खोज चुका है, वो सारी ही प्रक्रिया आपको टूर ऑपरेटर को भी बतानी है। नेक्स्ट है, अन्य स्टाफ या पुलिस प्राधिकारियों को सौंपना। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी खो जाता है तो आपको पुलिस अधिकारियों व स्टाफ मेंबर्स के ऊपर सौंप देना चाहिए। पहला है, अन्य कर्मचारी और अधिकारियों को देने के लिए लापता व्यक्तियों को विवरण तैयार करें। जैसे बच्चों, अगर कोई भी खो जाता है तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी कर्मचारियों व पुलिस प्राधिकारियों को देनी चाहिए। जैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, मैनिफेस्ट, पर्यटकों के विवरण, पर्यटक कौन कौन गया था, उसका नाम, उनकी फैमिली से कौन कौन गया था और उसकी वाइफ गई थी, उसके हस्बैंड गए थे, उनके ग्रैंडफादर गए थे, मतलब कौन कौन उस सदस्य में गया था घूमने के लिए, उसके बारे में पुलिस प्रबंधक या स्टाफ मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है, उसकी फ़ोटो आईडी, उसकी कोई फ़ोटो है या फिर कोई भी उसके बारे में आईडी कार्ड है वो एक पुलिस प्रबंधक को या स्टाफ मेंबर को देना चाहिए। नेक्स्ट है, अपने या टूर ग्रुप के अन्य सदस्यों से पर्यटकों के बारे में विवरण, जैसे कि जो उनके बगल में बैठे थे, जिन्होंने उनके पास गतिविधियों को साझा किया, वह जो एक ही नाव कार में थे जब वह सवारी पर गए थे, उदाहरण के लिए वह क्या पहने हुए थे, चिकित्सीय ज़रूरतें, शर्तें। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस प्रबंधक या पर्यटक गाइड को उसकी इन्फॉर्मेशन या फिर संचालक को उसकी इन्फॉर्मेशन दे कि कौन उसके पास बैठा था, क्या उसने पहना था और वह जब जा रहा था तो उसने क्या चीज़ें अपने साथ कैरी कर रखी थी, और इस तरीके का विवरण पुलिस प्रबंधक को या फिर टूर ऑपरेटर को देना चाहिए अन्य पर्यटक जो उसके पास में बैठा हुआ था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, यदि आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या पहना था तो देखें कि क्या किसी ने उस दिन उसकी तस्वीर ली, ताकि आप प्राधिकारियों को एक फ़ोटो दिखा सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो व्यक्ति खो गया है और उसने उसी दिन किसी के संग फ़ोटो खिंचवाई है तो वो फ़ोटो भी आप उसकी पहचान के रूप में पुलिस प्रबंधक को या फिर संचालक को देने में या उनको ढूंढने में सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है, सटीकता समय और व्यवहारिकता की समीक्षा।
ठीक है, तो पहला पॉइंट है एक ट्रेवल एजेंट के रूप में आपका दिन व्यस्त है। आप जानते हैं कि समय प्रबंधक महत्वपूर्ण है। आप कुशल होने का प्रयास करते हैं और समय बर्बाद ना करने का प्रयास करते हैं। हर दिन का प्रत्येक मिनट भरा हुआ लगता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि टूर ऑपरेटर को यह महत्वपूर्ण होता है कि उसका समय कितना इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी यह फील नहीं होने देता पर्यटकों की वह अकुशल है। वह हमेशा ऐसा महसूस कराता है कि वो कुशल है, वो अपना समय बर्बाद नहीं करता। उसके लिए हर मिनट हर क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? ट्रैवल एजेंटों के लिए। नेक्स्ट है, आप कभी भी आहार पर गए हैं तो आप जानते हैं कि पहला कदम अक्सर आपने खाने की आदतों का रिकॉर्ड बनाना होता है। इसलिए भी हम एक जर्नल रखना चाहते हैं कि हमें अपने समय कैसे व्यतीत करते हैं। एक अच्छी गतिविधि पत्रिका आपको यह पता लगाने में मदद करेगी कि आप समय का सही प्रयोग कैसे करेंगे। बच्चों, आप कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हैं तो आप सबसे पहले खाने के लिए कहीं पर भी ढूंढने का तलाश करते हैं, परंतु अगर आपने कहीं पर भी उस पर्यटन स्थल पर जाने के लिए पहले से ही इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है, इंफॉर्मेशन तैयार कर रखी है, तो आपका समय भी बचता है, आपको पता होता है कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलेगा आपको। इन सब चीज़ों में कि भाई क्या खाना है, कैसे जाना है, इन सब चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आपका पहले से ही वो समय बच जाएगा अगर आप पहले से ही उस स्थल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं कि कहाँ पर हॉस्पिटल है या कहाँ पर खाने की व्यवस्था है या खाने की क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पहले से होती है तो आप समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हर दिन एक घंटा उन गतिविधियों के लिए समर्पित है जो वास्तव में उत्पादकता में योगदान नहीं करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप उन जी प्रक्रियाओं में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो वास्तव में उपयोगी नहीं है या फिर पर्यटकों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आधे से ज़्यादा टाइम में आपका उन गतिविधियों में निकल जाता है पर्यटक गाइड का या फिर टूर ऑपरेटर का। फिर उसी घंटे को काम करने या व्यक्तिगत या पारिवारिक गतिविधियों के लिए लागू किया जा सकता है। और जो घंटा वेस्ट हो रहा है हम उन घंटों का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अपने परिवार के सदस्यों के साथ गतिविधियाँ कर उस समय को हम इन्वेस्ट या प्रयोग कर सकते हैं। हम में से कई लोगों के लिए प्रत्येक दिन एक अतिरिक्त घंटा एक वास्तविक उपहार होगा। हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए वेस्ट जा रहा है या फिर हम ऐसी एक्टिविटियाँ करें जो यूज़फुल नहीं है, वही घंटा अन्य लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार हो सकता है। जैसे कि कोई पेशेंट है और कोई मरने वाला है तो उसके लिए वह घंटा बहुत ही कीमती या उपहारदायी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अच्छी गतिविधियाँ पत्रिका हमें उस तरह के खाली समय को खोजने में मदद कर सकती है। बच्चों, हमारे पास जो पत्रिकाएं होती है वो हमें अन्य जो खाली समय होता है जिसमें हम कहीं घूमने जा रहे हैं और बस में जा रहे हैं, हम बैठे हुए, वो हमारा खाली समय है। उस समय में हम उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हमें जाना है। और ये कौन सपोर्ट करता है? पत्रिका हमें उस खाली समय में पढ़कर या फिर देखकर हमें उस जगह का खोज करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, कुछ हफ्ते के लिए हर दिन एक साफ कागज पर एक पत्रिका शुरू करें, अपनी गतिविधियों के बारे में एक नोट रिकॉर्ड करें और समय के साथ रुके और व्यतीत हो जाए। कुछ भी मत छोड़ो, ईमेल पढ़ने, मेल खोलने, काफ़ी प्राप्त करने, ग्राहकों के लिए यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाने, फ़ोन कॉल करने और वापस करने समय है, सब कुछ रिकॉर्ड करें। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि वो सारी ही गतिविधियाँ एक कोरे कागज़ पर आपको हर एक दिन लिखनी चाहिए कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया या क्या किस किस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया। वो सारी ही गतिविधियाँ या एक्शन जो आपने उस दिन किए हैं आपको उसका रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। और कुछ उदाहरण जैसे आपने कहाँ पर अपना समय व्यतीत किया, मेल खोलने में, कॉफ़ी पीने में, ग्राहकों से यात्रा की योजना बनाने में किया, फ़ोन कॉल पर किया, ये सभी ही चीज़ें उस एक सूची में या फिर एक खाली कागज़ में तैयार करें। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है प्रत्येक दिन के अंत में विभिन्न रंग मार्कों के साथ गतिविधियों को हाईलाइट करें। बच्चों जो भी गतिविधि आपने बनाई है उन सभी को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करें। कौन कौन से रंग है और कौन कौन सी बातें हैं उसको पढ़ते हैं। शायद ईमेल गतिविधियों के लिए नीला, व्यक्तिगत समय के लिए पीला, जैसे काफ़ी ब्रेक या अपने सहकर्मियों के साथ बात करनी है। इसके बाद उन गतिविधियों में से प्रत्येक की को 1 से 5 नंबर असाइन करें, जिसमें 1 को बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है जो आपको करना चाहिए और 5 एक कम प्राथमिकता वाली गतिविधि है जो उत्पादकता में योगदान नहीं करती है या जिसे आपने अपने लिए पूरा करने के लिए दूसरे को सौंप दिया है। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ईमेल की जैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं उसको नीला रंग दें, अगर व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत कोई प्रक्रिया कर रहे हैं आप तो उसको पीला रंग दें और बाकी गतिविधियों के लिए आप 1, 2, 3, 4 कर मेंशन करें नंबरों से। और पहला जो नंबर है उसको क्या काम किया उसको इम्पोर्टेंस दे और जो आपने 5वां जो नंबर है जिस पे आपने कम समय इन्वेस्ट किया और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था उस चीज़ को भी आप ध्यान रखें और दोनों को कंपेयर करें कि क्या ज़रूरी था क्या नहीं करना था और इस तरीके से पूरी एक लिस्ट के द्वारा अपनी गतिविधियों को नोट करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना टाइम जर्नल देखने के क्या आप इनमें से कुछ पैटर्न का पता लगा सकते हैं। आपकी कुछ गतिविधियां हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए, कुछ पैटर्न बताया गया है बच्चों, उसके द्वारा आप अपनी प्राथमिक चीज़ों को भी और जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है और यूज़लेस है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें उन सभी चीज़ों का आप पता लगा सकते हैं इस मेथड के द्वारा। पहला है अपने दिन को प्राथमिकता दे, अपने दिन को इम्पोर्टेंस दे। उच्च प्राथमिकता वाले आइटम सबसे पहले, जब आपको ऊर्जा का स्तर अधिक हो। कम प्राथमिकता जब आपको सोचने का मन नहीं करता है, बस यांत्रिक चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि अपने दिन को इम्पोर्टेंस दें और उच्च शक्ति वाली, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो फुल एनर्जी के संग उठते हैं, तो वो प्राथमिकता वाली चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको उस समय करें और जिस समय आपका मन नहीं करता तो ऐसी गतिविधियाँ करें जो आपका फिजिकली हो ना कि मेंटली हो। इस तरीके की गतिविधियों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि सुबह सबसे पहले अपना डेस्क व्यवस्थित कर रहे हैं तो आप कम प्राथमिकता वाली वस्तु के लिए उच्च ऊर्जा समय का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठते के संग आप अपना झाड़ पोछा करते हैं या फिर अपना डेस्क साफ करते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा आपके अंदर भरपूर होती है, परंतु आप ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और कम प्राथमिकता वाली है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगले दिन की तैयारी के लिए अपने डेस्क को हर दिन आखिरी चीज़ व्यवस्थित करने पर विचार करें। सबसे पहले आप एक सुव्यवस्थित कार्य स्थान के साथ बेहतर स्वागत महसूस करें और लास्ट नाइट को आप ये कि आपको अगले दिन क्या क्या करना है उसकी सूची तैयार करें और उस चीज़ पर अपना एक्शन लेकर कार्य करें कि जिससे अगला दिन और भी अच्छा और भी ऊर्जा वाला और प्राथमिक चीज़ों को महत्व देता हुआ बीते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कम प्राथमिकता वाले कार्य करना आपको प्रतियोजित करना चाहिए। यदि आप एक कार्यालय में काम करते हैं तो क्या आप वास्तव में रेफ्रिजरेटर की सफाई करने वाले, ब्रोशर या अन्य कार्यों का आयोजन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए जो दूसरों की जिम्मेदारी हो सकती है। यदि आप स्वयं काम करते हैं तो क्या आप अपने कार्य दिवस के दौरान घर के काम कर रहे हैं जो किसी और की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि कम प्राथमिकता वाले जो कार्य हैं वो आपको नहीं करने चाहिए ऊर्जा में, और कम ऊर्जा हो तब वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। और साथ ही अगर आप किसी भी ऑफिस के अंदर काम करते हैं और जैसे कि साफ़ सफाई का काम है, अगर रेफ्रिजरेटर हो गए, अन्य चीज़ों की साफ़ सफाई के लिए अगर ऑफिस में जाकर ये काम करते हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो किसी और की है। आप अपने काम के ऊपर ध्यान दें और अपने डेस्क को व्यवस्थित कर अपनी
ऊर्जा के साथ उस पर इन्वेस्ट करें, काम पर ध्यान दें और अन्य चीज़ों पर ध्यान दें जो उससे जुड़ी हुई है, ना कि साफ़ सफाई में, रेफ्रिजरेटर की सफाई में या फिर घर के अन्य कार्यों जो आपको ऑफिस में भी करने पड़ रहे हैं, वो सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने काम पर फोकस दें। नेक्स्ट है विकर्षण। अक्सर हम अपने कार्यों को केंद्रित गतिविधियों की तुलना में ध्यान भटकाने की तरफ अधिक कार्य करने देते हैं। आप दिन में कितनी बार अपना ईमेल चेक करते हैं? दिन भर लगातार यदि सही समय पर ईमेल के लिए निश्चित समय निर्धारित करें और जंक को पढ़ने, जवाब देने और फिल्टर करने के लिए समय को ब्लॉक करें। ईमेल से अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को बाधित ना करें। ट्रैक पर रहे एक समय में एक काम, दिन के दौरान कर्तव्य देखने वाले कार्य उतने उत्पादक नहीं होते। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस ईमेल को देते हैं या फिर ऐसी एडवर्टीजमेंट जो आपके काम की नहीं है उनको दे रहे हैं, तो उनको अवॉइड करें। और पूरे दिन में, ये नहीं कि आपको बार बार खोल कर देखना है कि किसी का मैसेज आया, किसी की मेल आई, उन सब चीज़ों पर इन्वेस्ट ना करते हुए आपको एक पर्टिकुलर टाइम बना देना चाहिए कि आपको इसी में जवाब देना है। अगर किसी का भी आता है इसी समय, अगर आपको किसी को मेल करनी है तो उसी समय करनी है, और अन्य समय को वेस्ट ना करें एक ईमेल के वजह से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कार्यों के बीच छोटे ब्रेक लें। अपने आप को कॉफ़ी से पुरस्कृत करें, दोस्तों के साथ बातचीत करें या बाहर टहल लें, लेकिन उन गतिविधियों को 10 मिनट तक सीमित करें और फिर अगले केंद्रित कार्य पर वापस जाएं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक छोटा सा ब्रेक लें किसी भी काम को कर रहे हैं। जैसे आपने ऑफिस का काम करते तो 10 मिनट का ब्रेक लिया, अपने दोस्तों से बात कर ली या बाहर टहलने के लिए चले गए, परंतु सिर्फ ओनली 10 मिनट्स दे उस सब चीज़ों को और वापस ही पुनः आकर अपने काम को कंटिन्यू करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और हर काम में छोटा छोटा ब्रेक अवश्य ले, इससे कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है और साथ ही आप लंबे समय तक उस काम को बड़ी ही एनर्जी और सूझबूझ से कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक दिन के दौरान आपके द्वारा व्यतीत किए जाने वाले निम्न प्राथमिकता या गैर प्राथमिकता वाले समय को देखें। क्या उन वस्तुओं को एक दिन में एक बार या बेहतर सप्ताह में एक बार गतिविधि में समूहित करना संभव है? बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक दिन के अंदर आप अपनी गतिविधियों को नोटिस करें कि निम्न प्राथमिकता वाले, मतलब कि कम इंपॉर्टेंस देने वाले और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले कौन कौन सी कार्य, कौन कौन सी वस्तुएँ जो आप एक ही दिन में या एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं या एक समूह में रहकर ख़त्म कर सकते हैं, उसको जितना जल्दी हो उसे ख़त्म करें और अपना हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें उन चीज़ों पर जो कम महत्वपूर्ण वाली है, और उन चीज़ों पर ज़्यादा लगाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको लंबे समय तक आगे की ओर लेकर जाएगी। ऐसी गतिविधियों को नोटिस कर उस पर कार्य करें। एक अच्छी गतिविधि पत्रिका आपको बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगी कि आप वर्तमान में अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं और आप दिन को बेहतर तरीके से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ये एक अच्छी समय प्रबंध पहला कदम है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई भी नोटिस तैयार करते या पत्रिका तैयार करते अपने पूरे दिनचर्या की कि आपने क्या क्या किया, कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो आप उस वर्तमान समय को, जिस समय आप जी रहे, प्रेजेंट टाइम को आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, अच्छे से संचालित कर पाएंगे और इससे आप अपना, आपका विकास कर पाएंगे और उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे पाएंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन सब चीज़ों को आप समझते हुए, एनालाइज करते हुए अपने दिन को और अच्छा बना पाएंगे। नेक्स्ट है वाहन शिष्टाचार। बच्चों, वाहन को चलाते हुए क्या क्या नियम कानून का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का, ये सब हमारे शिष्टाचार के अंतर्गत आती है। पहला है सीधे बैठे सतर्क रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों की अक्सर जांच करें कि वह आराम से है और आनंद ले रहे हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटक गाइड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी यात्रा किसी भी परिवहन में बैठे हैं वो सतर्क रहे और सीधे बैठे और जांचे कि वह जिस भी यात्रा के दौरान परिवहन का प्रयोग कर रहे हैं वह उन्हें कम्फर्टेबल लग रहा है और वह अपनी यात्रा को इंजॉय कर रहे
है। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करें कि चालक अपने सेल फोन को बहुत कम उपयोग करता है और फोन पर बात करने से पहले वाहन को सड़क के किनारे पर एक सुनिश्चित स्थान पर रखता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो भी चालक है यात्रा परिवहन को चला रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए पर्यटक गाइड को कि वह भी एक तरीके से अपने सेल फोन का कम यूज़ करे। अगर उसका अर्जेंटली कोई कॉल है तो वह अपने उस परिवहन को एक कोने में लगाकर, एक सड़क के कोने पर लगाकर तब जाकर बात करे, फिर वह आगे कंटिन्यू यात्रा को पूर्ण करे। इस बात का भी ध्यान पर्यटक गाइड को रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनिश्चित करें कि पर्यटकों की रुचि इस बात में है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जाने की कब बात करनी है, कितनी बात करनी है और कब पर्यटकों को चुपचाप बैठने देना है, आराम करना, सोना है। बच्चों, पर्यटक गाइड को ये हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पर्यटकों के संग कंफर्टेबल हो और इस बातों का ध्यान रखें कि उन्हें कब, उन्हें किन टॉपिकों के ऊपर बताना है और क्या वह उस टॉपिक पर रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए पर्यटक गाइड को। कब बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, कब पर्यटकों को चुपचाप छोड़ देना चाहिए आराम करने के लिए या सोने के लिए, इन सभी बातों का भी ध्यान पर्यटक गाइड को रखना चाहिए और वह अपने पर्यटकों को अच्छे से समझे, जिससे कि वह इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सरलता से उनकी यात्रा को पूर्ण करा सके। किसको ध्यान रखना चाहिए? पर्यटक गाइड को, अपने पर्यटकों का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पर्यटकों के लिए दरवाजे खोले और बंद करें। बच्चों, पर्यटक आ रहा है या तो कहीं पर स्थल पर रुक रहा है तो उन जगहों पर दरवाजे खोले और बंद करें। नेक्स्ट है, बुजुर्ग पर्यटकों को वाहन पर चढ़ने और उतरने में मदद करें। बच्चों, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अगर यात्रा के दौरान चल रहा है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसे चढ़ाने में और उतारने में उसकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करें कि पर्यटकों को पता है कि उनका वाहन कैसे दिखता है, तब यह बहुत सारे अन्य वाहनों के साथ पार्क किया जाता है जो समान दिखते हैं। बच्चों, अपने पर्यटकों को अपने बस या फिर जिस भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं उसकी पहचान कराएं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वह अपने ही वाले ट्रांसपोर्ट में चढ़े, ना कि अन्य पे। इस बात का भी उन्हें समझाना या ध्यान में रखने के लिए उन्हें बताना चाहिए, किसको? पर्यटक गाइड को, पर्यटकों या यात्रियों को, कि वह उसी यात्रा से जिसमें वह बैठ कर आए थे उसी में वापस उन्हें बैठना है, वो कैसी दिखती है उसकी पहचान करानी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पर्यटकों को आने से पहले सुनिश्चित करें कि एयर कौन चालू है और वाहन ठंडा है। बच्चों, अगर वे बस में जा रहे हैं तो पर्यटक गाइडों को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यटक अगर बाहर से घूम कर आ रहे हैं तो उसके अंदर फ़ैन जो ऑन है या एसी ऑन है या ठंडा है या नहीं है, कब ऑन करना है, या अगर सर्दी में जा रहे हैं तो गर्म है, तो इन सब बातों का भी पर्यटक गाइड को ध्यान रखना चाहिए बस के अंदर या जिस भी ट्रांसपोर्ट से वह जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या नहीं करने योग्य चीज़ें हैं वो चीज़ों को पढ़ते हैं। जूते उतारे, एक तरफ ही जूते उतारे, इधर उधर ना फेंके। नेक्स्ट है, अपने अपने पैरों को सीट या डैशबोर्ड पर रखें। बच्चों, आपने देखा होगा किसी भी ट्रांसपोर्ट के नीचे कुछ लाइंस होती है जिस पर आप पैर रख सकते हैं, उस पर पैर रखें, अपनी सीटों पर आराम से ध्यान से बैठे, ठीक है बच्चों। नींद ना करें, नींद ना लें, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सेल फोन पर टेक्स्ट या बात ना करें। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं, खुद एक चालक है, ड्राइवर है, तो वह सेल फोन को या टेक्स्ट पर किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, बहुत अधिक गाड़ी चला रहे हैं तो सेल फोन पर टेक्स्ट या बात ना करें। बच्चों, ये दोनों ही पॉइंट्स एक से हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों में यही है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सेल फोन पर या टेक्स्ट पर बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक बात करें, केवल ड्राइवर से बात करें, आपकी बात पर्यटकों के लाभ के लिए होनी चाहिए। बच्चों, अगर पर्यटक गाइड भारी मात्रा में बातें कर रहा है या फिर वह चालक से बात कर रहा है तो इम्पोर्टेंट ही बात करनी चाहिए और फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। जिसे पर्यटक से बात कर रहा है गाइड तो उसके इंटरेस्ट ही बातें होनी चाहिए, और अगर वो ड्राइवर से बात कर रहा है तो उसको सही दिशा में सही तरीके से गाइड करते हुए बातें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शराब पिए या ड्रग्स ना ले, और गाड़ी चलाते हुए यात्रा करते हुए ड्रग्स या शराब या अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इन सारी बातों का एक पर्यटक गाइड को ध्यान रखना
चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना हो किसी भी यात्रा के दौरान, और साथ ही पर्यटकों को या यात्रियों को भी समझाना चाहिए। बच्चों, इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला है, यात्रा कार्यक्रम के रूप में पर्यटक गाइड के कर्तव्य और दायित्व के बारे में लिखे। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इसको किसी भी तरीके से घुमाव से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रतिभागी सूची सटीकता, समय, व्यवहारिकता आदि में पर्यटक गाइड के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर एक अनुच्छेद लिखे। इस तरीके से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, पर्यटक गाइड के कर्तव्य के रूप में वाहन की जांच करने के बारे में लिखे। बच्चों, आपको यह बताना है कि पर्यटक गाइड को जब भी वो ट्रांसपोर्ट में जा रहा है तो पर्यटकों के साथ और ड्राइवर के संग कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी कि उसके क्या कर्तव्य होते हैं। और इस तरीके से आपसे इन तीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।